बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब क्या बात है बहुत अच्छे बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब भाई कई जानकारियां जिंदगी में ऐसी होती हैं जो मैं आपको बता दूं कि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आज तक पिछले 200 सालों के इतिहास में अमेरिका में कोई भी महिला अब तक राष्ट्रपति नहीं बनी। आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल है। साउथ में अम्मा का राज है और उत्तर प्रदेश में बहन जी का राज है, और आप थोड़ा निकल जाइए दिल्ली में आंटी है ही हमारी शीला आंटी है उनका राज है, और बाकी जगह आप देखें तो केंद्र में हमारी जो मैडम है उनका राज है, और घर में हमारी बीवियों का राज तो चलता ही है। यानी जिधर देखें नारी ही नारी है। नारी इस दुनिया की शक्ति का प्रतीक, नारी इस दुनिया की शक्ति का केंद्र, नारी इस दुनिया की शक्ति का पुंज। मैं आपसे ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आज का हमारा ये खास एपिसोड हम इस देश की और इस दुनिया की आधी आबादी के नाम समर्पित करते हैं, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारी तीन कवित्रियां हैं, शायराएं हैं, जो इस दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और असल में पूछिए तो ये दुनिया की आधी आबादी नहीं है, ये दुनिया की पूरी आबादी ही है, क्योंकि अगर नारी नहीं होती तो पुरुष नहीं होता। बहुत खूब। तो आइए मिलते हैं हमारी इन तीन श्रेष्ठ कवित्रियों से, शायराओं से, शायरात जिसे उर्दू में कहा जाता है, हमारे बीच में है। आइए हम मिलते हैं इन तीनों से। सबसे पहले नाजिया नसीम जी हमारे बीच में है, जो लखनऊ में रहती हैं और वैसे तो ये काम करती हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन बहुत अच्छी गजलें कहती हैं, गीत सुनाती हैं। तो नसीम जी, हम सब आपके लिए तालियां बजाते हैं। नाजिया नसीम। नाजिया नसीम जी के बाद प्रमिला शर्मा बड़ी हास्य की कविताएं करती है। बहुत कम महिलाएं होती हैं जो हास्य की कविताएं करती है, आप उनमें से हैं। बड़ा अच्छा लगता है, इनका भाषा का एक अलग सौंदर्य है, जो अवधि जो टच है वो इनकी भाषा में अभी भी बाकी है, और वो इन्हें थोड़ा सा अलग बनाता है। ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश मूलतः वहां की रहने वाली हैं और अब मुंबई में रहती हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं। ये बड़ी बात है, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है, संस्कृत पढ़ाने वाली, हास्य कविताएं करती हैं। जब ये आएंगी तब हम सुनेंगे प्रमिला शर्मा। उनके बाद जो है भाई अंजुम रहबर जी। अंजुम रहबर जी पिछले बहुत सालों से इस देश के कवि सम्मेलनों और इस देश के मुशायरों की बहुत 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 प्रसिद्ध कवित्री हैं, शायरा हैं। जब वो यहाँ आके सुनाएंगी अपने गीत, उनके गीतों में व्यंग भी है, उनकी जो शायरी है, उनके शेर है, उसमें दर्द भी है, विरह भी है, हर तरह के रस में उन्होंने लिखा और कहा। जब वो आएंगी तो मुझे और किसी परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंजुम रहबर हमारे बीच में, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात। नाजिया जी, हम आपसे क्यों ना इस महफिल की शुरुआत करें। नाजिया नसीम आए और हमें सुनाए, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूब की इस खूबसूरत सी महफिल में एक प्यार भरा गीत हाजिर कर रही हूँ जी। जिंदगी की हर कमी का रंग देते हैं बदल, प्यार के दो चार पल, ये प्यार के दो चार, हाय हाय, प्यार पल, के दो चार पल, भाई वाह। धूप हो, लंबा सफर हो, रास्ते दुश्वार हो, कश्तियाँ टूटी हुई हो, सामने मझधार हो, क्या बात है। दीप आशा के बुझाने आंधियां तैयार हो, गीत में ढल जाए दुख और दर्द बन जाए गजल, क्या बात है, वाह वाह वाह। प्यार के दो चार पल, ये प्यार के दो चार पल, मन की बीना बज उठे सब राग हो श्रृंगार के, हम कभी थक कर ना बैठे ना किसी से हार के, भाई क्या बात है। सब रुते हो फूलों वाली, सारे मौसम प्यार
मेरी सांसों में समा जा, आ मेरे रंगों में ढल, प्यार के दो चार पल, प्यार के दो चार पल, गुनगुनाने मुस्कुराने गीत गाने में कटे, हाय हाय, गुनगुनाने मुस्कुराने गीत गाने में कटे, उम्र सारी रूठने में और मनाने में कटे, क्या बात है, राह गलियों से सजे दी पक जलाने में कटे, क्यों महकती हैं ये सांसें, क्यों उठे अरमां मचल, प्यार के दो चार पल, प्यार के दो चार पल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। प्यार के दो चार पल आपकी जिंदगी के रंग बदल देते हैं, लेकिन प्यार में जब दिल टूट जाता है तब अंजुम रहबर एक शेर कहती हैं जो उनके सुर में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये किसी काम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, और प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं होता। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार में दिल टूटे, प्यार तो बना रहना चाहिए, आपका और हमारा प्यार भी बना रहेगा, हमारा रिश्ता तो टूटने वाला है नहीं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए गया तो टूट थोड़ी जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, बस गया और आया, तब तक बैठे रहिए और फिर हम कहते हैं बहुत खूब। भाई हमारा रिश्ता तो मजबूत है, कमाल का है, इसलिए टूट नहीं सकता। अब बात करते हैं कि क्या सुनवाया जाए। भाई नाजिया नसीम जी ने एक बहुत बढ़िया गीत सुनाया मोहब्बत का। अब प्रमिला शर्मा जी कह रही हैं कि भाई जिंदगी में हंसी बड़ी जरूरी चीज है, और अगर वो हंसी पे कुछ लिखती है, हास्य में लिखती है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप गहने वहने हमेशा इस तरह से पहनती हैं? गहने पहनना हमने वर्षों पहले छोड़ दिया, और उन गहनों के साथ तुमने खुद को जोड़ लिया। आज तो हमारा गला और कान खाली है, तुम्हारे गले में जंजीर है बंधी, कानों में लटकती वाली है। हाय 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 हाय, देखो मतलब ये तो आशु कवित्री है। भाई इसे कहते हैं आशु कवित्री। लेकिन आइए प्रमिला जी हमें कुछ सुनाइए जरा, जोरदार तालियां बजाइए प्रमिला शर्मा जी के लिए। मैं बहुत खूब के मंच की तरफ से देश के सभी कवियों को, सभी देशवासियों को प्रणाम करती हूँ जी, और कुछ हास्य की बातें करती हूँ। जब भी वो मेरे घर में आते हैं, जब भी वो मेरे घर में आते हैं, मौसम बरसात का ले आते हैं। अच्छा, जब भी वो मेरे घर में आते हैं, मौसम बरसात का ले आते हैं, और हर तरफ बस फुहार मुझको नजर आती है, हर तरफ बस फुहार मुझको नजर आती है, पसीना बदबूदार इतना वो बहाते हैं, पसीना बदबूदार इतना वो बहाते हैं। पुरुषों के लिए बोलना चाहती हूँ महिलाओं की तरफ से, कि कतरा कतरा सारी रात क्यों पिघलती है, कतरा कतरा सारी रात क्यों पिघलती है, कुसूर क्या है सजा इस कदर क्यों मिलती है, कुसूर क्या है सजा इस कदर क्यों मिलती है, सवाल करती है शर्मा जमाने वालों से, सवाल करती है शर्मा जमाने वालों से, शर्मा समा सवाल करती है शर्मा जमाने जमाने वालों से, जहाँ को रोशनी देने वाली क्यों जलती है, जहाँ को रोशनी देने वाली क्यों जलती है। भाई प्रमिला जी बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आपने अपनी कविताएं सुनाई, भाई मजा आ गया, हर रस में सुनाई, और जैसा कि आपका जो भाषाई सौंदर्य है, जो अभी भी आपकी भाषा में गांव बचा हुआ है, वो बड़ा अच्छा लगता है, और जो अनगढ़ कविता का स्वरूप है वो और ज्यादा अच्छा लगता है। हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ शेर सुनवा देना चाहता हूँ अंजुम रहबर साहिबा के। मैं जानता हूँ आप बहुत बेताब है, आप इंतजार कर ही नहीं सकते, आप मन ही मन में कह रहे होंगे भाई शैले जी ब्रेक पे जाने से पहले अंजुम रहबर जी को सुनवा दीजिए। निश्चित तौर पे मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी सुनवाऊंगा और ब्रेक के बाद भी सुनाऊंगा। तो मैं बुला रहा हूँ अंजुम रहबर जी को, आइए जोरदार तालियों का। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तीन महिलाएं बैठी हैं जी, नेचुरल है जो सुनेंगे वहां भी महिलाएं होंगी जी, महिलाएं भी होंगी जी। चार पंक्तियां सुने इरशाद। वक्त बर्बाद करती रहती हूँ, रोज
रोज फरियाद करती रहती हूँ। क्या बात है। हिचकियाँ तुझको रही होंगी, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। क्या बात है। मैं तुझे याद करती रहती हूँ। मेरे बहुत पुराने एक मतला और एक शेर मुझे याद। जी जी इरशाद। पता नहीं दिल करता है, जहाँ महिलाओं की बात हो रही है जी जी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शायरी भी वहीं तक करूँ। क्या बात करती हूँ। क्या बात सुनाइए। जन्नतों को जहाँ नीलाम किया जाएगा। हाय हाय। शैलेश को बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया शेर है। जन्नतों को जहाँ नीलाम किया जाएगा। जन्नतों को जहाँ नीलाम किया जाएगा, सिर्फ औरत को ही बदनाम किया जाएगा। भाई क्या बात है। वाह वाह। बहुत खूब। बहुत खूब किया जाएगा। हम उसे प्यार इबादत की तरह करते हैं। हम उसे प्यार इबादत की तरह करते हैं। अब ये ऐलान सरेआम किया जाएगा। अब ये वाह वाह। सरेआम किया जाएगा। किया जाएगा। क्या बात है अंजुम जी। भाई क्या बात है। आपके हर शेर के लिए हाथों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तालियां बजती चली जाती है, मुंह से बेसाख्ता वाह वाह निकलती है, बहुत खूब निकलता है। आपको सुनने का इतना मन है मेरा और सारे देशवासियों का। तो अंजुम रहबर जी ब्रेक के बाद भी आपको सुनाएंगी, तब तक आप इंतजार कीजिए। अंजुम रहबर जी कहीं नहीं जा रही, आपके लिए यही खड़ी है। देखो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट पे जाके नहीं बैठूंगी क्योंकि देश के दर्शक मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो बस थोड़ी देर इंतजार। यूं गए यूं आए। सुनते हैं फिर से अंजुम रहबर को। लौट आए हम फिर से और अब बिना किसी समय को नष्ट किए सीधे सीधे हिंदुस्तान। अंजुम रहमान एक मतलब दो तीन शेर और सुना दे। जी इरशाद। दिल का जो दुश्मन है दिल में धड़कता है। अभी दिल तोड़ने की बात हुई थी और चार मिसरे बहुत अच्छे जी शैलेश ने मेरे मुझे ही सुनाए थे, बहुत अच्छा लगा। अब सुनाती हूँ। दिल का जो दुश्मन है दिल में धड़कता है। दिल का जो दुश्मन है दिल में धड़कता है। टूट चुका कंगन फिर भी खनकता है। टूट चुका कंगन फिर भी खनकता है। अब शेर सुनेगा। नाम मेरा लेकर छेड़ते हैं उसको। नाम मेरा लेकर छेड़ते हैं उसको। नाम मेरा लेकर छेड़ते हैं उसको। क्यों मेरा दीवाना सबको खटकता है। मेरा दीवाना सबको खटकता है। टूट चुका कंगन फिर भी खनकता है। अब शेर सुनाती हूँ देखिएगा। मैं ही नहीं पागल उसकी जुदाई में। हाय हाय। मैं ही नहीं पागल उसकी जुदाई में। सुनती हूँ रातों को वो भी भटकता है। हाय हाय। सुनती हूँ रातों भाई क्या बात है। वो भी भटकता है। मैं ही नहीं पागल उसकी जुदाई में। सुनती हूँ रातों को वो भी भटकता है। और मेरा पसंदीदा शेर जी इरशाद सुनाना चाहती हूँ। चंद शेरों के लिए अल्लाह ताला ने ईश्वर ने मुझे मशहूर किया, उसका लाख लाख शुक्र अर्ज करती हूँ। प्यार की खुशबू में दोनों नहाए। पाकीज़गी देखिएगा। क्या बढ़िया शेर है। प्यार की खुशबू में दोनों नहाए हैं। मैं भी महकती हूँ वो भी महकता है। इसका एक शेर जो अचानक याद आया कि पी के जो करता है होश भरी बातें। सुनेगा। पी के जो करता पी है। के जो करता है होश भरी बातें। होश में आते ही खूब बहकता है। होश में आते ही
کیا بات ہے, واہ واہ واہ. بہکتا ہے پی کے جو کرتا ہے ہوش بھری باتیں, ہوش میں آتے ہی خوب بہکتا ہے. اور یہ مقطع بہت مشہور ہوا جی, اور میری ساری زندگی کا آئینہ جی. عرض کرنا چاہتی ہوں, ہم تو سمندر ہیں رہتے ہیں چپ منجم, ہم تو سمندر ہیں رہتے ہیں چپ منجم, جتنا جو خالی ہے اتنا چھلکتا ہے, جتنا جو خالی ہے اتنا چھلکتا ہے, ٹوٹ چکا کنگن پھر بھی کھنکتا. ایسا نہیں, میں جانتا ہوں انجم جی کے اتنے شعر, اتنی کویتائیں, اتنے گیت مجھے یاد ہے, تمام درشکوں کو بھی یاد ہوں گے. ایسے آپ کے ایک آپ کی ایک غزل ہے, وہ غزل مجھے یوں آگے کہ سندرب مہیلاؤں کا چل رہا ہے اور اس میں ایک شعر کمال کا ہے کہ عورت کے دل کی اچھا سارے جیون میں کیا رہتی ہے, ایک ذرا سی اچھا ہوتی ہے, وہ آپ غزل کے دو تین شعر سنا دیجئے. جی میں سناتی ہوں جی. میرا چھوٹا بھائی ہے, پریہ بندھو ہے, وہ میں بات نہیں ٹال سکتی ہوں جی. ہے اگر پیار تو مت چھپایا کرو, ہے اگر پیار تو مت چھپایا کرو, ہے اگر پیار تو مت چھپایا کرو, ہم سے ملنے کھلے عام آیا کرو, ہم سے ملنے کھلے عام آیا کرو. اب شعر سنیے گا جی. دل ہمارا نہیں گھر ہے یہ آپ کا, دل ہمارا نہیں ہے یہ گھر آپ کا, روز آیا کرو روز جایا کرو, روز آیا کرو روز جایا کرو. وہی شعر, وہ شعر جس کے لیے یہ خاص شعر. ہم ہندوستانی عورتوں کی بہت میٹھی سی چھوٹی سی خواہش ہوا کرتی ہے, پرملا سنو میری بیٹی سنو, لیکن نہ سمجھ پرش ورگ زندگی بھر نہیں سمجھ پاتا, لیکن یہ خواہش صرف ہندوستانی عورت کی ہو سکتی ہے جی. انجم کا یہ شعر, پیار کرنا نہ کرنا الگ بات ہے, پیار کرنا نہ کرنا الگ بات ہے, کم سے کم وقت پر گھر تو آیا کرو, کم سے کم وقت پر گھر تو آیا کرو, ہم سے ملنے کھلے ہم آیا کرو. اب میں وہ سنا دیتی ہوں غزل کا ایک مطلب, دو شعر آپ کی جو پسند ہے سن لو, بہت اچھا مجھے دل کر رہا ہے میرا سنانے کے لیے. عرض کرتی ہوں, لیکن تھوڑا سا غزل کا موڈ چینج ہوگا جی, اچھا لگے گا. تیرا وعدہ نہ پورا ہوا, کیا بات ہے, شام سے سحر ہو گئی, سحر ایسے نہیں ہوتی جی, سحر تو تیرا وعدہ نہ پورا ہوا, شام سے پھر سحر ہو گئی, کیا بات ہے, تیرا وعدہ نہ پورا ہوا, شام سے پھر سحر ہو گئی, مجھ کو کھڑکی میں بیٹھے ہوئے, کیا بات ہے, آج بھی رات بھر ہو گئی, کیا بات ہے, مجھ کو کھڑکی میں بیٹھے ہوئے, آج بھی رات بھر ہو گئی, آج بھی رات بھر ہو گئی. میرا پسندیدہ شعر جو مجھے سنانا ہے, میری بہنیں سنیں, دو دلوں کو جدا کر گئی ایک پردیس کی نوکری, وہ بھی پاگل ادھر ہو گیا, کیا بات ہے, میں بھی پاگل ادھر ہو گئی, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, بہت اچھا لگتا ہے. ہندوستانی عورتوں کی پھر بات کرتی ہوں, گھر کے لوگوں کو ہر بات کا, تیری میری ملاقات کا, کیا بات ہے, گھر کے لوگوں کو ہر بات کا, تیری میری ملاقات کا, پایلوں سے
पता चल गया हाय हाय चूड़ियों से खबर हो गई क्या बात है वाह 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 से पता चल गया क्या बात है चूड़ियों से खबर हो गई मुझको खिड़की में बैठे हुए आज फिर रात भर हो गई आज भी रात भर हो गई मैं जानता हूँ देश भर के करोड़ों श्रोता और दर्शक जो हैं वो अंजुम जी को बहुत सुनना चाहते हैं मैं खुद इतना बड़ा फैन हूँ मैं कवि लेखक एक्टर सब बाद में हूँ लेकिन श्रोता सबसे पहले हूँ जब अच्छी चीजें सुनता हूँ तो आपने जिस ढंग से सुनाया अंजुम जी आप तीनों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता मेरी कविता की एक कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है जो शायद मैंने पहले सुनाई हो लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल मुफीद लगती है जो मैं इन तीनों को इस देश की मातृशक्ति को और दुनिया भर की महिलाओं को समर्पित करता हूँ कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है बस यही नारी की परिभाषा है हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमण का है हम पत्थर के हैं संग वह कंचन की कण का है हम बकवास हैं वह भाषण है हम सरकार हैं वह शासन है हम लवकुश हैं वह सीता है हम छंद हैं वह कविता है हम राजा हैं वह राज है हम मस्तक हैं वह ताज है वही सरस्वती का उद्गम है वही एक सुभाषा है हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है बस यही नारी की परिभाषा है जाते जाते यही कहूंगा बहुत खूब।